आज जो अपना टॉपिक है वो है अपना नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड का मतलब की सी, आपा एक टॉपिक किया सी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ का मतलब की सी, नेस्टेड इफ सी अपनी एक इफ के अंदर अगर आप दूसरी इफ लगानी है, जिमें आप इफ लगाई सी यह इस इफ का ब्लॉक है जिथे करली ब्रेस स्टार्ट होंगी करली ब्रेस खत्म होंगी है, उसके अंदर अगर दूसरी इफ है तो नेस्टेड इफ है, ठीक है ना। सिमिलरली नेस्टेड लूप या नेस्टेड आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स की होनगियां, एक लूप है अपने कोल, उसके अंदर अगर आप दूसरी लूप लगाई है वह नेस्टेड लूप होगी। क्लियर है चीज़? एक लूप के अंदर जो आप दूसरी लूप लगा लीए उसनों आप बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। हूँ आप समझन दे लई थोड़ा जिहा आप सिंपल लूप वाली एक एग्जाम्पल करते हैं, लाइक फॉर फॉर सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, प्रिंट एफ लिख सकते हैं आप, अगर तुसी सी च बनाना है, ठीक है, अगर सी प्लस प्लस च बना रहे हैं आप, फिर आप इतने सी आउट लिख सकते हैं। ये आप क्लीयर की रही है भी केवल दो सीन ते सी आउट का ही फर्क है, जो बेसिक क्वेश्चन है सी आउट सी। इस नाल आउटपुट की आऊगी अपनी, इस नाल आउटपुट आऊगी अपनी 1 2 3 4 5। क्लियर है ना ये चीज़? 1 2 3 4 5 इसकी की है आउटपुट है। हुण 1 2 3 4 5 यह प्रिंट कर रही है यह लूप, इस लूप का वर्क की है 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। हुण अगर मैं इस दे अगे इस दे बाहर एक होर लूप लगा दा फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर लैस दैन इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1। पहला केवल यह पार्ट समझना, इस पार्ट का वर्क की है 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। इस पार्ट नू किन्नी बार चलाना है वो एक्सटर्नल लूप दसती है। हुण यह लूप जिहड़ी है यह किन्नी बार चल रही है, 1 तो लैके 4 तक, इहदा मतलब जिहड़ी यह लूप है इंटरनल लूप है किन्ने टाइम चलूगी? 4 टाइम चलूगी। मीनस एक बार चलन ते की प्रिंट करती सी यह 1 2 3 4 5, अगर यह 4 टाइम चली क्योंकि एक्सटर्नल लूप ने इनू 19 बार चलाना है, बस एक्सटर्नल लूप का यही परपज है भी इसनों किन्नी बार चलाना है। हुण एक्सटर्नल लूप किन्नी है? 4 टाइम्स है। दिस मीनस 1 2 3 4 5 किन्ने टाइम्स प्रिंट होगा अपना? 4 टाइम्स, क्योंकि इंटरनल लूप का वर्क की है 1 2 3 4 5 चलाना है, वो किन्नी बार चलाना है वह एक्सटरनल लूप का वर्क है। ये एक लाइन च प्रिंट हो रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट है भी जो एक बार 1 2 5 प्रिंट हो गया उस तो बाद अगला 1 2 3 4 5 नैक्सट लाइन च आए तो इतने मैं कि प्रिंट कर लूँगा सी आउट जां स्लैश एन लिख लो डबल कॉमिया च एवें, जां तुसी एंड एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हूँ इसकी आउटपुट की आऊगी अपनी 1 2 3 4 5 किन्ने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स सानू किवें पता लग्या? क्योंकि एक्सटर्नल लूप ने की किया है इसनों किन्नी टाइम चलाता है? 4 टाइम्स चलाता है 1 2 3 4 5। ठीक है, जिहड़ा बेसिक इहदा वर्क है भी इंटरनल लूप का वर्क है 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, एक्सटरनल लूप का मतलब है भी उन्होंने किन्नी बार चलाना है। हूँ मैं इतने दो टर्म्स यूज की हुई हैं, एक मैं वर्ड यूज किया हुआ सी, एक मैं यूज किया हुआ आर। इतों याद रखना है आर का मतलब मैं लिया रू दे लई ते सी फॉर कॉलम, केवल समझन दे लई। मतलब जिहड़ी इंटरनल लूप है ये की बना रही है? कॉलम्स बना रही है। जिहड़ी एक्सटरनल लूप है वो आर वर्ड लिखे मैं वो की बना रही है? रोज। केवल समझन दे लई तुसी आई जे एम एन जिहड़ा मर्जी वेरिएबल लै सकते हैं, पर आर ते सी नाल थोड़ा जिहा क्लीयर हो जाता भी रो ते कॉलम।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 6 ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜੂਗੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜੂਗੀਆਂ 1 ਤੋਂ 6 ਮਤਲਬ 6 ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਆਰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਨਲ ਲੂਪ ਦਾ ਵਰਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨਲ ਲੂਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਨੂੰ 19 ਵਾਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਨਲ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ ਸੋਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਦਾ ਲੂਪ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਲੂਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ 1 2 ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਲੂਪ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੀ 1 2 ਇੰਟਰਨਲ ਲੂਪ ਸੀ 1 2 3 ਐਕਸਟਰਨਲ 1 2 7 ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ ਇਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਕੰਬੋਜ ਗੁਰਲੀਨ ਗੁਰਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸੋਚੋ ਅੰਦਰਲੀ ਲੂਪ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ 1 2 3 ਸੋਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 1 2 3 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ 7 ਟਾਈਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੂਪ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਲੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 4 ਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਏਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਗੁਰਵੀਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਜਗਦੇਵ ਸੋਨੀਆ ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਜ਼ੁਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਯਸ਼ਿਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ 1 2 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਲੂਪ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ 4 3 2 1 ਹੁਣ 4 3 2 1 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੈ 5 ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਰੋ
एक्सटर्नल कॉलम इंटरनल। सैकेंड रूल देखो, हूँ सैकेंड रूल की है पहले समझन दे लई, जदों एक लाइन दे विच अलग अलग नंबर हैं जिमें 4, 3, 2, 1 उस टाइम तो प्रिंट होंदा है सी, यानी कि इंटरनल वाला वेरिएबल। अगर एक लाइन च सेम अक्षर है ना, जिमें सपोज मैं कहना 3, 3, 3, 3, दिस मीनस उस केस च प्रिंट होगा आर। क्लियर है सैकेंड रूल की याद रखना है, अगर डिफरेंट है तो सी है, अगर सेम है तो रो है आर है। एक एग्जाम्पल कर दें इसकी, ये याद रखो पहले तो जो सेम है तो आर प्रिंट करना है, जो डिफरेंट है उदों कॉलम प्रिंट करना है। लाइक हुण मैं शॉर्ट च लिख रहा, इसनों तुसी अपने आप ही पूरा लिखना है। फॉर आर इज इक्वल टू 5, 2, 1 जा 1, 2, 5। फॉर सी इज इक्वल टू 1, 2, 4। मैं केवल शॉर्ट च लिख रहा, तुसी पूरा ही लिखना है। ठीक है, यह लाइन किवें लिखांगे? हाँ जी, फर्स्ट वाली आर इज इक्वल टू 1, मैं इहदा एक्चुअल की होगा आर इक्वल टू 1, आर लैस दैन इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1। ठीक है, एक्चुअल च एवें लिखना है तुसीं, मैं शॉर्ट च लिखूंगा ताकि तुहानू भी प्रैक्टिस हो सके सिंटैक्स की, नहीं तो जो आप लिखांगे वह तो तुहानू याद रहिंदा है। हुण इत्थों सानू एक चीज़ तो क्लीयर है भी अपनी आउटपुट के विच किन्नियां रोज़ बनणगियां, 5 रोज बनणगियां, कॉलम किन्ने बनणगे? 4 कॉलम बनणगे। अगर मैं सी प्रिंट करना तो की प्रिंट होना सी अपना 1, 2, 3, 4 किन्ने टाइम्स? 5 टाइम्स। सानू किवें पता लग्या 5 टाइम्स? क्योंकि एक्सटर्नल लूप किन्ने टाइम चल रही है साडी? 5 टाइम चल रही है। बट हुण मैं इत्थे कॉलम नहीं, इत्थे मैं प्रिंट करूँगा आर। ये चीज़ ध्यान नाल समझियो, जदों मैं आर प्रिंट किया दिस मीनस एक लाइन के विच सेम अक्षर ही आऊगा। ठीक है, एक लाइन के विच की होगा? सेम अक्षर ही आना चाहिए। हुण आर की वैल्यू कितनी है? 1। आर पहला कितना है? 1। आर की वैल्यू 1 है, इंटरनल लूप च गए इस दे विच आर किन्ने टाइम्स प्रिंट कर सकने? 4 टाइम्स, क्योंकि कॉलम किन्ने बनने हैं? 4 बनने हैं। इहदा मतलब आर किन्ने टाइम्स प्रिंट होगा? 4 टाइम्स। ते आर दी वैल्यू किन्नी है? 1। हुण आर दी वैल्यू किन्नी होगी? 2। 2 किन्ने टाइम्स प्रिंट हो गया? 4 टाइम्स। 3 किन्ने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, 5 4 टाइम्स। वही याद रखना है नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने है, ये तो साढ़े 4 ही है, नंबर ऑफ कॉल रोज किन्नी है? 5 हैं। बट प्रिंट की हो रहा? आर हो रहा। आर की वैल्यू पहला कितनी है? 1। यदा मतलब 1, 4 टाइम्स प्रिंट होया, फिर 2, 4 टाइम्स प्रिंट होया, फिर 3, 4 टाइम्स प्रिंट होया, फिर 5, 4 टाइम्स प्रिंट होया, फिर 5, 4 टाइम्स प्रिंट होया। ठीक है ना, रो ते कॉलम ये याद रखना हमेशा, जो तो एक लाइन च सेम है ना तो दिस मीनस आर ही प्रिंट हो रहा। उत्थी समझना ना तुसी, जो तो एक लाइन च सेम है तो उत्थे आर ही प्रिंट होना चाहिए। लाइक मैं हुण इत्थे लिख रहा एक वैल्यू, तुसी ये लिखना भी इस दे विच की प्रिंट हो रहा। सपोज मेरा क्वेश्चन है ये 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8। पहला क्वेश्चन ये है, इहदा लिखो रो ते कॉलम, इस आर रो प्रिंट हो रहा कि कॉलम प्रिंट हो रहा? कॉलम प्रिंट हो रहा, बिल्कुल। क्यों कॉलम प्रिंट हो रहा? क्योंकि एक लाइन च अलग अलग है, सिंपल जी गल है। इस च की प्रिंट हो रहा? इस च रो प्रिंट हो रहा। रो किवें सानू पता लग्या रो प्रिंट हो रहा? क्योंकि सेम है। हुण क्वेश्चन यह है, चलो पहला तो पहले तो असीं एक चीज आइडेंटिफाई कर ली, रोज किनिया? 3।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ? ਤਿੰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 2 3। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 2 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਤੇ ਸੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਪਲੱਸ 2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਸੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਪਲੱਸ 2। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 4 6 8, 2 4 6 8, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੂਪ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਰ। ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ? 5, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 2 5। ਰੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 5 ਟਾਈਮਸ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 4। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਰੋਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 5 ਤੋਂ। ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਲੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 4 3 2, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 5 4 3 2। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ, 5 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਟਾਈਮਸ। ਫਿਰ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ, 4 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਟਾਈਮਸ। ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸਟਡ ਲੂਪ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮਿੰਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 9। ਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਸੀ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 2, ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 9 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੀ ਇਕਲ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 2। ਹੁਣ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ 1 2 1 2 4 ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ 4 ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਰ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 1, ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕਲ ਟੂ 4, ਆਰ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ ਆਰ ਪਲੱਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 9 7 5 3 1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
प्रिंट की हो रहा आर, ये पॉइंट क्लियर है। किन्ने टाइम्स प्रिंट हो रहा, 5 टाइम्स, सी वन सी लैस दैन इक्वल टू 5, सी इक्वल टू सी प्लस 1, ठीक है। आर की चल रहा हूँ, आर चल रहा अपना 1, लैस दैन इक्वल टू की है 9, आर इज इक्वल टू आर प्लस 2, क्योंकि आर की वैल्यू पहला 1 है, 1 किन्ने टाइम्स प्रिंट हो गया 5 टाइम्स, फिर आर की वैल्यू किन्नी होगी 3, 3 किन्ने टाइम्स प्रिंट हो गया 5 टाइम्स, फिर आर की वैल्यू 5, 5 5 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, दैन 9 5 टाइम्स, ठीक है ना। यह वे है जिहड़ा आपां इसनूं यूज करना है। हुण अगर इस दे विच कुछ ऐसी आउटपुट चाहिए आपां नूं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, जो याद रखने वाली चीज है अलग अलग है, इहदा मतलब सी प्रिंट हो रहा है, रोज किन्नी है, रोज है अपनिया 5 रोज है, ठीक है, रोज 5 है, कॉलम अपने जिहड़े कॉलम है वह फिक्स नहीं है, तुसी देख रहे हो उन्हें कॉलम फिक्स नहीं है। जदों कॉलम फिक्स नहीं होंगे दिस मीनस अपना स्टार्टिंग ते एंड पॉइंट इत्थे भी फिक्स नहीं होगा, ठीक है। हुण जिहड़ा प्रिंट की हो रहा सी, रो चल रहा 1 टू 5, आर इज इकल टू आर प्लस 1, कॉलम चल रहा स्टार्टिंग कितों हो रहा 1 तो, ठीक है, प्लस हो रहा 1 1 का, पर एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, तुसी देख रहे होंगे एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, पहला 1 तक चल रहा, फिर 2 तक, फिर 3 तक, जो एंड पॉइंट फिक्स ना ना हो इतें भी साडा कोई फिक्स वैल्यू नहीं आऊगी, लाइक 5 नहीं आऊगा, इतने मेरा आ गया आर, इतने मेरा आ गया आर, क्योंकि हुण आर की वैल्यू पहला कितनी सी 1, वो 1 तो लैके 1 तक चलिया, ठीक है, अगली बार आर की वैल्यू होगी 2, वो 1 तो लैके 2 तक चलिया, फिर आर की वैल्यू होगी 3, वो 1 तो 3 तक चलिया, ठीक है ना। जदों अपने एक हरेक रो दे विच नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं होंगे तो स्टार्ट आ जिहड़े कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। लाइक मैं तुहानूं होर थोड़ा जिहा इसनूं एक्सप्लेन करा, अगर मैं इत्थे लिखदा आर, इत्थे लिखदा 5, हुण आउटपुट किवें आनी चाहीदी है, मैथमेटिकल है, मतलब कोई ऐसा नहीं है भी कोई इस दे विच कोई एक्सट्रा चीज़ जाऊगी, जिवें चल रही है लूप उस तरीके चलाओ। आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 तो 5 तक चलिया, फिर आर की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 तो लेके 5 तक चलिया, फिर आर की वैल्यू होगी 3, 3 तो 5 तक, फिर 4 तो 5 तक, फिर 5 तो 5 तक, इसकी आउटपुट की आऊगी अपनी यह आऊगी। अगर इसमें मैं थोड़ा होर मॉडिफाई करा, आर इज इक्वल टू 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू आर माइनस 1, सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू आर, सी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू सी माइनस 1, ठीक है ना, सी इक्वल टू सी माइनस 1। हुण आपां इसनूं चला के देखदे हां की आउटपुट आनी चाहिए लाइक तुहाडे अकॉर्डिंग। आर की वैल्यू कितनी है 5, स्टार्टिंग 5 तो लैके 1 तक, 5 4 3 2 1, फिर आर की वैल्यू कितनी होगी 4, फिर 4 तो लैके 1 तक, 4 तो लैके 1 तक, 3 तो लैके 1 तक, 2 तो 1, 1 तो 1, मीनस केवल यही 4 पॉइंट ही आइडेंटिफाई करने हैं आपां, कोई भी जदों आपां यह पैटर्नस क्रिएट करने हैं, ठीक है। इसनूं रिवाइज करना है इस दे अकॉर्डिंग, लाइक सपोज असी ये चीज़ बनानी है, अगर मैं कहां 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, दिस मीनस इस की प्रिंट हो रहा आर प्रिंट हो रहा, बाकी सी ते आर दी लूप तुसी अपने आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस तरीके अपन यह जिहड़े अपने पैटर्नस है पिरामिड्स है इन्हां दी अपन बार बार प्रैक्टिस करनी पैनी, लाइक नैक्सट वीडियो के आप होर पिरामिड वगैरह क्रिएट करने स्टार्ट करांगे, लाइक अगर आप ऐसा प्रिंट करना है कुछ ये आप नैक्सट वीडियो देखते हैं, इसकी तुसी मैक्सीम प्रैक्टिस करनी है। अगर यह समझ आ गए
उस तो बाद ही इस तो कंप्लीकेटेड अपने अगे जड़े प्रोग्राम्स है वह बनने चाहिए चलो अपने बनने। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सैक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू।